Hey guys, welcome back to episode number 4. And today we are going. मैं नहीं बताऊंगी, हम जा रहे हैं। आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा तो आपको पता चलेगा कि हम जा कर रहे हैं। बस अच्छी बात ये है कि हम लोग आज रेडी हो चुके हैं। हम रोज ही रेडी हो रहे हैं, वैसे रेडी होने ही आए हम। आई एम वेयरिंग दिस डांगरी एंड आई ऑर्डर दिस फ्रॉम मिंत्रा, वन एंड ओनली मिंत्रा। आई डोंट नो, मुझे लगता है मैं ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली। करेंगे येलो देन अ बैग, यस द लुक इज कम्प्लीट। और इसके साथ मैंने पहने शूज, व्हाइट शूज। मेरे शूज ना बहुत गंदे हो गए थे, आई मीन इतने बुरे हो रखे हो, ड्राई क्लीन के लगते हैं। इसमें आई गेस 50 बात नहीं दिए कि मेरे पे टाइम भी नहीं है, कल हमें बैंकॉक के लिए निकलना है। ठीक है, तो मैंने पहने हैं आज राखी मैम के शूज। ये है शूज, एक साइज बड़ा है पर पता नहीं चल रहा। ये बात आपको पता है, ये बात मुझे पता है, पूरी बात और किसी को नहीं पता है। और अभी मेरे फ्रेंड्स अभी रेडी हो रहे हैं, तो जब ये रेडी होंगे मैं तब आपको दिखाऊंगी। मैं अभी दिखा दूंगी, तुम लोग अनसब्सक्राइब कर दो चैनल। बट जहां आज जा रहे हैं वो बहुत बहुत ज्यादा एडवेंचरस डेयरिंग टास्क होने वाला है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ाओ एंड मैं भी थोड़ा सा सस्पेंस बढ़ा देती हूँ। और हम आपको लेके चलेंगे एक प्यारी सी जगह, तो लेट जस्ट गो। मैं ले रही हूँ टुकटुक, और यहाँ से टाइगर किंगडम पहुँचने के लिए हमें लग रहा है 300 baht for 3 people। कैन यू डू इट 250 baht for 3 people? 250 for 3? 3 250। ओके। तो ये भैया 250 में मान गए, थोड़ी सी बार्गेनिंग करके थोड़ा सा ही करा, मान गए हैं 250 पे। तो लेट्स सी, भैया मान गए हमारे, अभी तो कोई नहीं माना, अभी तो कोई नहीं माना। मुझे नहीं पता वहाँ जाके ऐसा ना बोले कि 251। फिर तो हम लुट गए। हम बैठ गए गाइस टुकटुक पे, और अभी हम जा रहे सीधा टाइगर किंगडम। वैसे टुकटुक वाला टुकटुक भी जो मैंने आपको कल दिखाया था, थोड़ा सी कंडीशन खराब है, इसलिए हमने 300 से 250 कर दिया, हमको मान चुके हैं। तो आप बार्गेनिंग थोड़ी बहुत कर सकते हो। यहाँ से तो इंडिया का मार्केट ही लग रहा मुझे। गाइस यहाँ पे है पार्किंग, टुकटुक तो तुम्हें छोड़ के चले जाएगा, बट अगर तुम टैक्सी करके आ रहे हो तो पार्किंग एरिया है ये। गाइस ये कह रहे हैं कि ये हमारा वेट यहीं पे करेंगे हमें वापस ले जाने के लिए, विच इज नाइस डील। सॉरी, हमने टुकटुक वाले को रोक रखा है और हम पहुँच चुके हैं टाइगर किंगडम। ये टिकट का है, इसमें स्मॉलेस्ट, स्मॉल, मीडियम एंड बिग, एंड देन वी हैव जायंट, जायंट, बिग, मीडियम। आई विल गो विद स्मॉल। क्यू नंबर आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। गाइस हमारा वेटिंग टाइम है 10 to 15 minutes, तब तक मैं देख लूँ यहाँ पे चल क्या रहा है। अंदर आप खाना वगैरह खा सकते हैं अगर आपको खाना हो तो, एंड रिसेप्शन है इनका। देखो आई नो ये लोग या तो उसको बेहोश करके रखते हैं या फिर कुछ हिला कर रखते हैं। मुझे बुरा भी लग रहा है इन टाइगर्स के लिए क्योंकि ये केज में रहते हैं, बट ठीक है खाना पीना तो दे ही रहे हैं। पर अभी डर भी लग रहा है क्योंकि वो बेहोश हो, वो मरा हुआ भी हो तो भी मुझे टाइगर से डर लगेगा, ऑब्वियसली किसी को भी लगेगा। यहाँ तो ये मरा हुआ भी नहीं है, और स्विमिंग पूल में वो पानी पी रहा है। आपको दिखाती हूँ, वेट देखो, ये चीज़ गाइस करने वाली है क्योंकि आई डोंट थिंक इंडिया में इधर जिसमें आपका क्यू नंबर आएगा। बैक एंड टेल डू द टाइगर्स हैव इनफ स्पेस, आर द टाइगर ड्रग्ड? ओके नो गाइस, हमने सोचा था टाइगर ड्रग्ड है, बट एट टाइगर किंगडम वी हैव अ टीम ऑफ ऑन साइट, ड्रग्ड नहीं है। पहला मिथ, थोड़ा डर भी लग रहा है, लग रहा है नहीं पूजा डर लग रहा है बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली, अगर वो ड्रग्ड होते तो ठीक भी था, इन्होंने लिखा है वो ड्रग भी नहीं है भाई, बहुत ज्यादा लग रहा है। कम कम ये पूछ उठाई पूजा को देख के, एक्चुअली मेरी कभी नहीं फटी, बहुत डर लग रहा है मुझे सीरियसली। आके ना टचते जल्दी सो अनु सिर रख।
और सिर रख नी खाता बैठा है इसीलिए पागल है ये लोग। हाँ पूरा रख आजा हो गया हमारा सेशन जितना भी था बदबू बहुत आ रही है। थैंक यू। फाइनली गाइस हमारा टास्क हो गया है डन। हाउ वाज इट लगाने के बाद हम लिटरली और हम बच के आ चुके हैं दैट इज अ बिग थिंग। पूजा हाउ वाज एक्सपीरियंस? इट वॉज नाइस, थोड़ा सा डर लग रहा था लेकिन ठीक था। और हम लोग का प्रॉब्लम ये हुई कि मैं सिर्फ पूछ ही पकड़ पाई, स्पेशली मैं सिर्फ पूछ पकड़ा जैसे आपने देख ही लिया, बट अच्छा था। लेकिन देखो यार 10 मिनट्स के लिए ना मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं होंगे, वो हम तीन जन थे तो 30 मिनट हो गए राइट, तो इतना टाइम क्यों लगा मुझे बोलने में। ठीक था, टाइगर को मुझे नहीं लगता मैं कहीं इंडिया में ऐसे इतने पास से देख पाऊंगी। इट वॉज क्यूट, मुझे ना चीता करना था पर चीते के लिए ना मेरे पे हिम्मत नहीं, चीता मुझे करना है तो मेरे पे हिम्मत नहीं। आई विल शो यू इट, चीता हमें अराउंड 1 आवर लगा है। तो आप लोग पे अगर आ रहे हो और हेक्टिक सा शेड्यूल है या यहाँ जाने वहाँ जाना, तो 1 घंटा आप निकाल सकते हो। 10 मिनट्स तो दिया उन्होंने बस, उसमें भी इट वॉज गुड एक्सपीरियंस वॉज गुड। देखो हमने इसको इतना मना दिया है कि हम लोग कोई पैसे नहीं देंगे और आप हमें एलिफेंट वाले जो शो है उसमें छोड़ दो। एलिफेंट का आपको सवारी कर सकते हो वो है आपका आई गेस 800 बात। मैं देखो हमने एक लोचा करने वाले क्योंकि ना हम अभी इतने भाट बचे नहीं है कि मैं एलिफेंट पे जा सके। 800 या समथिंग का भाट है वो, तो हमने सोचा वो हम बैंकॉक जाएंगे तब उड़ाएंगे वहाँ करेंगे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं बता देते पहले, हम सिर्फ एंट्री लेंगे और बार बार से फोटो खींचेंगे अगर खींचने देंगे तो। दूसरी चीज यहाँ पे कभी भी आप जाते हो कहीं कहीं फोटो खिंचाते हो पहले देख लेना आसपास, क्योंकि वो कब तुमसे पैसे मांग ले कभी बोल सकते कि मिमानी की मिमानी एक बार देख ले। देखो गूगल मैप भी ऑन कर लेना क्योंकि यू नेवर नो तुम कहाँ जा रहे हो। अभी मैं जिस एरिया में जा रही हूँ मुझे वो बंजर जंगल जैसा ही, हाँ इन जंगल से बट एरिया थोड़ा सा सेफर साइड के लिए बात कर रही हूँ। एक बार गूगल मैप ऑन कर लेना। सफारी करेंगे Tiger. Hey guys, तो अब आ गए हम रूम पे और हम बहुत थक चुके हैं। हम लिटरली सुबह से हम घूम ही रहे इस स्ट्रीट से उस स्ट्रीट, इस स्ट्रीट से उस स्ट्रीट। लाइक मैंने मेकअप वगैरह सब रिमूव कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है फुकेट का पानी अच्छा है, सीरियसली अच्छा है, क्योंकि मैं जब आई थी इंडिया से तो बहुत सारे दाने लेके आई थी। अभी थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है, मेकअप लगाया वो। हाँ मच्छी खा रहे, पता मुझे लग रहा है मैं इंडिया पे पिछले 25-26 साल से नकली मच्छी खा रही हूँ, नाले की मच्छी। मच्छियाँ यहाँ होती है भाई बढ़िया, सच में मुझे ऐसा लग रहा है। या तो साउथ में खाओ, मुंबई में भी अच्छी मिलती है प्योर। मैं तो नाले से पकड़ के खाती हूँ, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी क्योंकि कुछ नहीं हुआ है। हम बैंकॉक निकल रहे, वैसे फुकेट मुझे बहुत पसंद आया, मतलब हम सबको पसंद आया, मेरा जाने का मन नहीं है यार, वही सुबह 9 to 5 ऑफिस की जॉब करनी पड़ेगी, पर ठीक है चल लेते हैं। फिर हम लोग करने वाले हैं एक रिक्वेस्ट। प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमको लगा था कि हमारी फ्लाइट 11:45 की है, बट नहीं, मैं दुनिया की सबसे टैलेंटेड लड़की, मैंने चेक किया और मुझे पता चला कि फ्लाइट है 9:45 की, ठीक है, और 9:40 मतलब ठीक है। मैंने याद दिलाया और झूठ बोल रही है ये। चलो इन्होंने चेक कर लिया, ठीक है इन्होंने चेक कर लिया और चेक करने के बाद पता चला वो 9:45 की है। तो अब देखो हम पे दुख किसी चीज का नहीं, हम सुबह उठ जाएंगे, हम अभी सो भी नहीं रहे। प्रॉब्लम इसकी हमें ब्रेकफास्ट मिलना है 6:45 पे, सबसे बड़ा दुख है हमें वो कैसे मिलेगा। तो अभी मैं एक रिक्वेस्ट करने वाली हूँ रिसेप्शन पे कॉल करके कि अगर हमें वो खाना एटलीस्ट फ्रूट कुछ भी, पैसे दिए यार मैंने, मैं 1 रुपये नहीं छोड़ सकती हूँ। तो अभी आई विश वो मान जाए, लेट्स जस्ट कॉल देम। 0 गाइस एक और चीज़ है, मुझे जिंदगी में एक चीज़ सीखी है, कुछ भी काम करने से पहले नेगेटिव मत बोलो, ठीक है, वरना हर चीज़ नेगेटिव ही होती है मुझे ऐसा लगता है। उठाई ना हमारा फोन अभी कोई, पिक अप द फोन। हमें ब्रेकफास्ट छोड़ना पड़ेगा, वी डू नॉट हैव ऑप्शन। फिर फ्लाइट में, हमारी फ्लाइट में ब्रेकफास्ट इंक्लूड है गाइस, फिर वहीं खाते हैं क्या ही बचा। इनको खा के जाना, इनको नहीं सबको। यार हमने पैसे दिए हैं यार, हम क्यों छोड़े अपने पैसे, तुम्हें खा के जाना। यस 10 बार सोचने के बाद बोला था ना।
सोचना नहीं इसमें, बस खा के जाना है। तो देखते हैं, मैं सुबह आपको बताऊंगी कि हम खा के गए कि नहीं गए। और अभी हम एक घंटे के लिए सोने जा रहे हैं, एक घंटे के लिए, समझ रहे हो। मैं कोरियन मूवीज ज़्यादा नहीं देखती हूँ या सीरीज नहीं देखती हूँ, बट आज सबके सब ऐसे ही कर रहे थे तो मुझे अच्छा लग गया और मैं ऐसे कर रही हूँ। इतना सचिन है। तो गुड नाइट गाइज, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय, गुड नाइट।